हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जो है जानेंगे कि आप अपने बहरीन के वीज़ा की डिटेल्स को कैसे चेक करें। जी दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपके वीज़ा की वैलिडिटी कब तक है और आपके वीज़ा का जो स्पॉन्सर है, जहां से आपका वीज़ा इशू हुआ है, उस स्पॉन्सर का क्या नाम है। और इसमें दोस्तों आप ये भी देख पाएंगे कि जो आपका प्रोफेशन है, जो आप काम कर रहे हैं, उसमें जो आपको वीज़ा मिला हुआ है, किस काम के लिए मिला हुआ है और इसकी वैलिडिटी कब तक है, ये सारी चीज़ें आप आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने बहरीन के वीज़ा को चेक करना है तो आप गूगल में सर्च करते थे LMRA, जब लिख के आप सर्च करते थे तो आपके पास देखिए ई सर्विसेज का ऑप्शन आता था, आप इस पर क्लिक करते थे, LMRA एक्सप्रेस में आपके पास ये ऑप्शन बन के आता था। लेकिन दोस्तों अभी ये ऑप्शन को जो है मूव कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे दोस्तों आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलता है कि आप अपने वीज़ा की वैलिड है कि नहीं, वो आप देख सकते हैं। बट इसमें आपकी वैलिडिटी कब तक है, आपका स्पॉन्सर का नाम क्या है और आपका प्रोफेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगी। उसके लिए दोस्तों एक दूसरा ऑप्शन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक फिलहाल एग्जाम्पल के लिए जो है अपना CPR नंबर एंटर करके मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ कि इसमें आप अभी क्या चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे जो अपनी वीज़ा को चेक करने के लिए जब अपना CPR नंबर एंटर करके सर्च करते थे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे आपकी वीज़ा की डिटेल आती थी। यहाँ पे जो है आपका फोटो आता था और यहाँ पे आपका नाम आता था, वीज़ा वैलिड है कि नहीं, आपका स्पॉन्सर का नाम क्या था और उसमें हेल्थ केयर स्टेटस जो भी है, बहुत सारी चीज़ें आपको आती थी। लेकिन अभी देखिए वो हट गया है। यहाँ पे आप अपनी केवल लीगल स्टेटस को चेक कर सकते हैं और आप जो रजिस्टर्ड वर्क प्रोग्राम चल रहा है उसमें आप एलिजिबल हैं कि नहीं, वो आप जिसमें केवल देख सकते हैं। सो दोस्तों, अभी जो है ये ऑप्शन चेंज हो चुका है, तो आपको कैसे चेक करना है अपने वीज़ा की एक्चुअल डिटेल्स को, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, गूगल में आपको जो है बहरीन रेजिडेंसी परमिट लिख के सर्च कर देना है। जब आप सर्च करेंगे तो देख सकते हैं कि आपके सामने जो है पहला ऑप्शन आ रहा है रेजिडेंसी सर्विसेज का, आपको इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। इस पे ओपन करेंगे दोस्तों तो आप देखिए आप bahrain.bh की वेबसाइट पे आ जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी यहाँ पे देखिए आपको रेजिडेंसी स्टेटस इंक्वायरी का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डिटेल एंटर करने का आएगा ऑप्शन, आपको यहाँ पे जो है इंक्वायर अबाउट दे रहा है, आपको जो स्पेसिफिक रेजिडेंसी पे क्लिक करना है। सो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारे पास दो ऑप्शंस मिल रहा है, पहला बहरीन पर्सनल नंबर यानी कि अपना CPR नंबर और पासपोर्ट नंबर एंटर करके जो है आप चेक कर सकते हैं। अगर आप केवल अपने पासपोर्ट की डिटेल से चेक करना है तो आप जो है पासपोर्ट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको केवल अपना पासपोर्ट का डिटेल एंटर करना है, जैसे कि पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और नेशनलिटी जो है लिख के सर्च करेंगे तो आप अपनी डिटेल को चेक कर पाएंगे। तो चलिए हम जो है अपने CPR नंबर को एंटर करके चेक करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप हम अपना जो है पासपोर्ट नंबर और बहरीन पर्सनल नंबर यानी कि CPR नंबर एंटर कर चुके हैं। उसके बाद आपको सर्च के ऑप्शंस पे क्लिक करके सर्च कर देना है। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे सामने हमारे रेजिडेंसी की डिटेल्स आ गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा CPR नंबर है और रेजिडेंसी ओनर नेम यानी कि जो वीज़ा है आपका, जो रेजिडेंसी परमिट है, वो किसके नाम पे है, आप यहाँ नाम देख सकते हैं। और एक्सपायरी डेट क्या है, आप यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी देख सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप रेजिडेंसी सर्टिफिकेट पर डाउनलोड करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF में ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर डाउनलोड करना है तो देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर डाउनलोड कर सकते हैं। और ईमेल या कॉपी, अगर आपको इसकी कॉपी अपने ईमेल पर चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे ईमेल के ऑप्शन पर तो और अपना ईमेल आईडी वहाँ पर एंटर करेंगे तो आपके ईमेल पर जो है एक इसकी कॉपी सेंड कर दी जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें अपनी डिटेल को कैसे चेक करना है। उसके लिए आपको जो ये PDF फाइल बना हुआ, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, ये डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। सो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने हमारे जो रेजिडेंसी परमिट यानी कि हमारा जो वीज़ा है वो खुल के आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है रेजिडेंस परमिट, उसके बाद आपका फोटो आ रहा है, उसके बाद देख सकते हैं कि सारी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आपकी जो नेशनल आईडी यानी कि CPR नंबर है, आपका पासपोर्ट नंबर है, नेशनलिटी, यहाँ पे आपका जो RP नंबर है और टाइप है, सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या किस डेट को आपका जो ये रेजिडेंस परमिट यानी वीज़ा जो था, किस डेट को इशू हुआ था और कब इसका एक्सपायरी डेट है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपका ऑक्यूपेशन क्या यानी कि प्रोफेशन, आप काम क्या करते हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसके नाम पे है वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये जो गारंटर यानी कि जो आपका स्पॉन्सर है, जहाँ जिसका जिसके थ्रू वीज़ा इशू हुआ है, आप उसका नाम भी देख सकते हैं। उसमें देख सकते हैं कि सारी वीज़ा की डिटेल आपके सामने जो है आ गई है, आप ऐसे चेक कर सकते हैं अगर आपको अपने वीज़ा की डिटेल को चेक करना है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।